हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड, एंड एग्जाम की प्रिपरेशन भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है BECIL की तरफ से। MTS यानी मल्टी टास्किंग स्टाफ एंड स्टाफ कार ड्राइवर की पोस्ट के लिए न्यू रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, ये ग्रुप सी का पोस्ट होगा। ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो आगे इस वीडियो में इस पोस्ट के रिगार्डिंग डिटेल में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज की लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, सारा कुछ बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मैंने अपलोड कर दिया है। और मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। आप चाहो तो वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते। तो चलिए, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से हम लोग शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की। देखिए, जैसा पहले ही आपको बता दिया है कि BECIL, DDA, MTS एंड स्टाफ कार ड्राइवर की वैकेंसी आई है। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि BECIL, DDA होता क्या है। देखिए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर आपका ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, मतलब ये आपका कंपनी हो गया ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, BECIL। और ये आता किसके अंतर्गत है? दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी DDA के अंतर्गत आता है। दो तरह के पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे, MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड स्टाफ कार ड्राइवर। कितना पोस्ट है हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि फॉर्म आपका कब से कब तक अप्लाई हुआ। देखिए फ्रेंड्स, 29th of March से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, 3 अप्रैल इसके लिए लास्ट डेट रहने वाला है। अब फॉर्म के फी की अगर बात करूं तो जनरल OBC और एक सर्विस मैन से 885 रुपीज लिया जाएगा, SC ST, EWS और फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन से 351 रुपीज लिया जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं कि एज की लिमिट क्या होगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले जानिए कि किस तिथि के अकॉर्डिंग आपका एज कैलकुलेशन होगा। एज ऑन 1st of January 2024, मतलब 1 जनवरी 2024 के अनुसार 18 वर्ष से 45 वर्ष के सभी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ अपर एज जो होता है 45 ईयर्स है, यहाँ पे उसमें कुछ रिलैक्सेशन भी मिलता है। OBC को मिल जाएगा 3 ईयर्स का और SC ST को मिलेगा 5 ईयर्स का। आगे बात करें कि क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होगी, तो MTS के लिए तो सिर्फ और सिर्फ जो 10th पास आउट कैंडिडेट है, डजंट मैटर क्या परसेंटेज है, आपने मैट्रिक पास कर लिया है तो आप एलिजिबल हो। और जो दूसरा पोस्ट है स्टाफ कार ड्राइवर का, उसके लिए आपको 10th पास तो होना ही है, साथ ही साथ अब ड्राइवर की पोस्ट है तो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और यहाँ पर एक और पॉइंट है फ्रेंड्स, आपके पास मिनिमम जो गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए ना, कम से कम 8 वर्ष का होना चाहिए। तो ये तो बेसिक डिटेल्स हो गया। अब दोनों ही पोस्ट के लिए आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो किन किन स्टेज से गुजरने के बाद होगा, क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, आइए बता देती हूँ। पहले हम लोग बात करते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। उसके लिए आपको सिंपली 3 स्टेज होता है। पहला होगा ऑनलाइन CBT एग्जाम होगा, उसके बाद DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन क्या होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, ज्वाइनिंग लेटर सेंड कर दिया जाएगा। वहीं पर स्टाफ कार ड्राइवर की पोस्ट के लिए ऑनलाइन एग्जाम होगा, देन आपका स्किल टेस्ट होगा। अब स्किल टेस्ट में पता है कि ड्राइविंग करके आपको दिखाना है कि आप एक स्किल्ड ड्राइवर हो। थर्ड आपका DV, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा, फिर ज्वाइनिंग लेटर आपको दे दी जाएगी। चलिए अब समझ लेते हैं कि पहले स्टेज पर दोनों ही पोस्ट के लिए जो ऑनलाइन CBT यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षा होती है, उसका क्या पैटर्न रहेगा। फ्रेंड्स, आपका एग्जाम में रहेगा कितना, 90 क्वेश्चन 90 मार्क्स के लिए, 90 क्वेश्चन 90 नंबर के लिए, पर क्वेश्चन मिलेंगे 1 मार्क। समय जो रहता है फ्रेंड्स आपका 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का एग्जाम होगा। प्लस पॉइंट है कि निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि सब्जेक्ट वाइज किस किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चंस होंगे। इंग्लिश से आपका 20 क्वेश्चंस रहेगा 20 मार्क्स के लिए, जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए,
मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए एंड लास्टली रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए। तो ये आपका एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद सिंपली ड्राइवर को ड्राइविंग का स्किल टेस्ट देना है, अदरवाइज दोनों पोस्ट के लिए डीवी होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा। फिर ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो जॉब लोकेशन क्या होगा फ्रेंड्स, आप ऐसे समझ पा रहे होंगे कि डीडीए के थ्रू वैकेंसी है तो दिल्ली ही होगा जॉब का लोकेशन। तो अपॉर्चुनिटी अच्छी है। इसके रिगार्डिंग सैलरी क्या मिलेगी मैं बता देती हूँ। आपको जो स्टार्टिंग सैलरी मिलती है 21,215 रुपया पर महीने की सैलरी मिलती है, मतलब 22,000 के अप्रॉक्स सैलरी से आपकी स्टार्टिंग होती है। बाद में और सैलरी बढ़ाया जाता है। तो चलिए अब हम लोग आगे और भी इसके बारे में जानेंगे, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि कितना कितना पोस्ट है। यहाँ पर टोटल आपका 66 पोस्ट है फ्रेंड्स। एमटीएस के लिए आपका 64 है और स्टाफ कार ड्राइवर का 2 पोस्ट रहेगा। तो ये भी क्लियर हो गया। और बाकी सब कुछ इसके रिगार्डिंग तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। अब भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, मन में क्वेरी है, तो कमेंट करिए, वहाँ पे आपके क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। अदरवाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो एक लाइक तो बनता है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना है, ताकि सारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ। टिल Then stay tuned. Bye bye. Take care.